जिस पर पीएम मोदी को था सबसे ज्यादा विश्वास, उसी ने किया विश्वासघात। ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है, ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। भ्रष्टाचार की कतार से देश को आजादी दिलाने की मुहिम के असली दुश्मन आज होंगे बेनकाब। चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, PL4 से ऐसी गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है, उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। आज हम आपको बताएंगे पीएम की करेंसी क्रांति के भरोसेमंद सिपाहियों ने ही कैसे दिया मोदी सरकार को धोखा। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं, चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। आज आपको पता चलेगा नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने जिसके भरोसे देश की जनता से 50 दिन में सारी परेशानी दूर कर देने का वादा किया, उसने कैसे की धोखाधड़ी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। नोटबंदी पर पीएम मोदी से विश्वासघात पर सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। विश्वासघात, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यकीन नहीं होता लेकिन यही सच है। जानते हैं ये विश्वासघात कैसे हुआ है। ठीक इस तरह इस पूरे नेक्सस का खुलासा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे नोटबंदी के बाद देश के पीएम के साथ विश्वासघात हुआ है, और विश्वासघात करने वाले वही लोग हैं जिन पर पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार ने ये बातें कहने की कोशिश की कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। आज हमारे इस खास पेशकश में प्रधानमंत्री की करेंसी क्रांति से धोखाधड़ी करने वाले एक एक बेनकाब होंगे। अठारह बीस घंटे हमारे बैंक के लोग काम कर रहे हैं भाई। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं। करेंसी क्रांति में पीएम मोदी से विश्वासघात। 8 नवंबर को नोट बैन के बाद से अब तक देश की जनता कतार में रहकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन जिन बैंक वालों पर पीएम को सबसे ज्यादा भरोसा था उन्हीं में से कई बैंक और उनके कई अधिकारियों ने इस देश से, इस देश के प्रधानमंत्री से और इस देश की जनता से विश्वासघात किया है। नोटों के फर्जीवाड़े के नए मामले दिल्ली के कनॉट प्लेस और नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांचेस से जुड़े हैं। नोएडा के सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक ब्रांच पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान एक्सिस बैंक में 30 फेक कंपनियों के अकाउंट मिले। इन अकाउंट्स में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए गए। नोटबंदी के बाद कुछ बैंकों के बाहर लोगों को खासी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि बैंक के अंदर गड़बड़ झाला जारी है। जो नोएडा का सेक्टर 51 है और यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है, यहाँ पर भी नोटबंदी के बाद बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा था।
नोएडा में एक्सिस बैंक की ब्रांच में नोटों की धोखाधड़ी का जब खुलासा हो रहा था, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज और मोदी सरकार के बीच नोटबंदी पर एक अहम संवाद चल रहा था। इस संवाद में सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, जब देश का आम आदमी एक एक नोट के लिए तरस रहा है तो कुछ लोगों के पास बड़ी संख्या में नए नोट कैसे आ गए? इस सवाल पर मोदी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ऐसी घटना कई बैंक मैनेजर्स की मिलीभगत से हो रही है। कुछ बैंक मैनेजर अवैध गतिविधियों में शामिल हैं और सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये जो STRs आते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, दैट रिपोर्ट इज जनरेटेड बाय द बैंक्स। सो देयरफॉर लेट अस नॉट पेंट ऑल द बैंक्स इन सेम ब्रश। सारे STRs जो आते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, दे आर जनरेटेड बाय द बैंक ऑफिशियल्स। सो वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसी के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। नोटबंदी के बाद देश भर में हो रही छापेमारी के दौरान अब तक 200 करोड़ से ज्यादा के नए नोट मिले हैं और ऐसे मामलों में शामिल बैंक और बैंक के कर्मचारियों पर मोदी सरकार की तीसरी नजर है। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना 3 महीना 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई बहन। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। मोदी सरकार की करेंसी क्रांति को नाकाम करने की साजिश कुछ बैंकों के अंदर कैसे चल रही है, अब ये जान लीजिए। काले धन को सफेद करने के खेल में मुख्य रूप से 4 किरदार हैं। पहला किरदार काले धन के कुबेर, दूसरा किरदार CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तीसरा और सबसे अहम किरदार बैंक, और चौथा किरदार ज्वेलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंसी क्रांति के 4 बड़े खलनायक हैं। ये चारों खलनायक आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और इन्हीं की मिलीभगत से हो रहा है गुलाबी नोटों का काला खेल। उदाहरण के जरिए अब आपको समझाते हैं कि बैंकों के नोट वाले फर्जीवाड़े का खेल। नोएडा सेक्टर 51 में एक्सिस ब्रांच में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान पता चला कि 30 फेक कंपनियों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। हालांकि इस मामले में आगे की पड़ताल जारी है, लेकिन ये काला खेल किस तरह से हुआ होगा ये हम आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं। सबसे पहले कड़ी में काला धन रखने वाला कोई शख्स किसी CA के पास गया होगा। करेंसी क्रांति के इन खलनायकों का नेटवर्क ब्लैक मनी होल्डर से शुरू होता है और उसके बाद इस नेटवर्क से जुड़ता है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले से कई फर्जी कंपनीज खोलकर बैठे CA ने कमीशन लेकर काले धन के कुबेरों से डील की होगी। CA की इस नेटवर्क में काफी अहम भूमिका होती है क्योंकि वो मजदूरों के नाम पर फर्जी कंपनियां खोलता है और फिर उन कंपनियों का अकाउंट बैंक के अंदर, और इसी अकाउंट के जरिए वो काले धन को सफेद करता है। बैंक शुड हैव स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस द ब्रांच मैनेजर्स एंड बैंक्स व्हिच आर रिसॉर्टिंग दिस अनहेल्दी प्रैक्टिस। सी आई एम वेरी हैप्पी द वे आवर प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क, इवन कीपिंग हिज पोजीशन एंड पार्टी एट रिस्क, हैज टेकन ए बोल्ड डिसीजन ऑफ डीमोनेटाइजेशन। बैंक के कर्मचारियों पर शक इसलिए है क्योंकि बिना बैंक कर्मियों की मर्जी के ना तो फर्जी अकाउंट्स खोले जा सकते हैं और ना ही उन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा कराए जा सकते हैं। बैंक भी इस पूरे मामले में काफी लापरवाही बरतता है। इन अकाउंट्स के अंदर पैसा जमा होता रहता है, लेकिन वो इस बात की जांच बिल्कुल नहीं करते कि ये पैसा आखिरकार किसका है। उसका KYC करने में वो हमेशा लापरवाही बरतते हैं। नोएडा सेक्टर 51 की एक्सिस बैंक ब्रांच में अकाउंट्स जिन फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए हैं, उनमें ज्यादातर के डायरेक्टर मजदूर हैं। विदाउट बैंक ऑफिसर्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए फेक अकाउंट खोलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो KYC शीट है उसमें एक डिक्लेरेशन होता है बैंकर्स की तरफ से कि भाई उन्होंने अकाउंट खोलते वक्त इस बंदे ने उनके प्रेजेंस में ये डॉक्यूमेंट साइन किए हैं और उन्होंने ओरिजिनल वेरीफाई किए। ये सब शीट देख के वेरीफाई करके तब वो सिस्टम एंटर किया जाता है, तब अकाउंट खुलता है। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो मेरी राय तो ये कहती है कि मैनेजर जो भी कर्मचारी है पब्लिक को सौंप दिया जाए, इन पे अच्छे से डंडे पड़ने चाहिए और पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। पैसे नहीं मिल रहे और जिसका अकाउंट तो एक्सिस बैंक में, आप कैश निकाल नहीं सकते, चेक लेके घूम रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। कई दिन हम लोग यहाँ आते बोलते कैश नहीं रही है।
एक्सिस बैंक ने अपने ताजा बयान में कहा है कि एक्सिस बैंक की ब्रांच पर छापेमारी नहीं हुई है, खातों की जानकारी मांगी गई है, आरबीआई को हम लोग जानकारी दे रहे हैं, नोएडा ब्रांच के 30 खातों के बारे में जानकारी मांगी गई, केवाईसी नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है, जांच में कुछ संदिग्ध खातों का पता चला है जिन्हें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के इस खेल की आखिरी कड़ी है ज्वेलर। ब्लैक मनी को फर्जी कंपनीज के बैंक अकाउंट में डाला जाता है और उसके बाद असली किरदार शुरू होता है ज्वेलर्स का, क्योंकि जो पैसा इन अकाउंट में डाला गया होता है उसको आरटीजीएस के जरिए ज्वेलर्स को दिया जाता है और उसी के बदले में ज्वेलर्स जो पैसा जिसने डाला था उसको सोने की ईंट या दूसरी जो महंगी चीज़ें होती हैं उसका भुगतान करते हैं। तो यानी कि जो पैसा जो ब्लैक मनी था उसकी पूरी चेन यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। काले धन को सफेद करने के इस खेल में सबका कमीशन डील के तहत तय होता है कि बैंक वालों को कितना मिलेगा, ज्वेलर को कितना मिलेगा और सीए के पास कितनी रकम जाएगी। अनुराग चड्ढा के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, नोएडा।